हमारे पास BS6 का सुपर स्प्लेंडर। तो इस बाइक में क्या प्रॉब्लम है, जैसे कि आप क्लच दबाकर यहाँ से इस तरीके से जब बाइक को स्टार्ट करते हैं तो बाइक स्टार्ट नहीं होती है, जब ये न्यूट्रल होती है उस टाइम स्टार्ट हो जाती है, और गियर लगाते ही जब हम इस तरीके से क्लच दबाकर स्टार्ट मारेंगे तो बाइक क्या होती है, स्टार्ट नहीं होती है। और प्लस में BS6 में एक अच्छा फंक्शन दे दिया गया है, जैसे कि यहाँ से आपका स्टेयर लगा हुआ रहेगा तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, चाहे गियर में हो या न्यूट्रल हो। उसके लिए जो है एक सिंपल सा जुगाड़ कर लेना चाहिए, ये स्विच जो होता है चेंज नहीं करना पड़ेगा। उसके लिए सिंपल से एक तार का टुकड़ा लेना है, इस तरीके का वायर लेना है पतला जैसा, और इसको क्या करना है आपस में कनेक्ट कर देना है। यहाँ पर देखिए इस दोनों में, इससे क्या होगा कोई फ्यूज नहीं उड़ेगा, कोई नुकसान नहीं होगा। ओल्ड मॉडल में क्या था, वो बाइक जो है गियर में ही रहती थी और सेल्फ मारते थे तो गाड़ी आगे भाग जाती थी, लेकिन इसमें ऐसा कोई चांस नहीं है। इसलिए नहीं है कि ये गियर में जैसे स्टैंड में रहेगी तो उस समय क्या है बाइक स्टार्ट नहीं होगी। अब सिंपली क्या करना है, इसको लगा देना है, तो बस इस तरीके से लगाने के बाद यहाँ पर हमने तार का टुकड़ा लगा दिया। अब गाइस मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको, जैसे कि यहाँ पर देखिए गाड़ी गियर में है फिर भी स्टार्ट अब होने लगेगी, डर है। यहाँ पर इस तरीके से गियर डालना है, ठीक है। अब सिंपली यहाँ पर जब हम क्या करेंगे स्टार्ट मारेंगे तो हो जाएगी मारो सेल, ठीक है। और आप यहाँ पर देखिए न्यूट्रल बत्ती बंद है और पहिया इस तरीके से घूमने लगी, साइड स्टैंड रहेगा, ठीक है। हमने साइड स्टैंड को लगा दिया, अब सेल पर मारो, अब ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है ना। अब जब हम इसको इस तरीके से उठा देंगे और मारेंगे स्टार्ट तो हो जाएगी, ठीक है। देखिए